हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मित्र। एंड गाइस, बहुत दिनों बाद फिर मैं आपसे मिल रहा हूँ। एंड गाइस, आज जो है ना, मतलब मैं एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था। एंड गाइस, आप देख सकते हो अभी मैंने फिलहाल अभी इधर इतना सारा सेटअप कर रखा है, थोड़ा बहुत। तो एक नया चीज आ रहा है, एक नया मेम्बर ऐड हो रहा है, तो अभी हम चलेंगे उसे लेने के लिए। सो गाइस, मैं बहुत पर्सनली बहुत दिनों से वेट कर रहा था और मैंने लेना भी था, तो मैंने सोचा चलो आज ही ले लेता हूँ, ट्यूसडे है तो फिर चलते हैं। सो गाइस, हमारे चैनल में जो भी न्यू है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड चलिए, आज आप लोगों की वजह से मुझे ये एक अच्छा सा चीज़ मिल रहा है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको मज़ा आएगा। एंड सो चलिए हम चलते हैं अभी। एंड नाउ गाइस, आई एम रेडी। तो अभी मैं तैयार हूँ जाने के लिए। एंड गाइस, अभी आई थिंक आज ना एक साथ दो दो चीज़ आने वाले हैं। आई थिंक देखो, अगर बात बन गई तो एक साथ दो दो चीज़ मैं लेके चले आऊँगा घर पे। तो यानी आज दो दो मेंबर ऐड होने वाले हैं। कुछ खास, मतलब हो सकता है आपको, आपके लिए कुछ खास ना हो, बट मेरे लिए खास है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले एक पहला वाला मैं रिवील करता हूँ। पहला वाला जो है वो एक CPU है, अच्छा CPU लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह के लिए जो चाहिए होता है वो उसको पहले ठीक करना, मुझे इसलिए CPU चाहिए पहला। तो अभी हम लोग चलेंगे उनकी दुकान पे। सेकंड वाला वो सरप्राइज है, तो चलिए हम चलते हैं अभी उनकी दुकान। तो गाइस, फाइनली अभी डेस्टिनी तक पहुंचा हूं। एंड अभी एक दोस्त को फ़ोन किया हूं, तो वो भी आने वाले हैं, दोस्त कम भाई। तो अभी वो आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो उसका वेट करते आने का। एंड ज़्यादा सेफ नहीं है इस तरह से फ़ोन को बाहर निकाल के रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है इधर। तो अभी मैं उसका वेट करता हूँ एंड फिर बात करते हैं आपसे। फाइनली आ चुका है भाई। एंड तो अभी हम चल रहा है जिला स्कूल रोड, एंड वहाँ से एक CPU लेना है, तो बातें कम करते हैं और दिखाते जाते हैं कुछ। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अभी गणपति कंप्यूटर्स के सामने। एंड अभी जो हमने भैया से बात कर रखा था, वो भैया अभी तक नहीं आया है, साथ में ये भाई रहा अतुल। एंड अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं बाहर, या फिर थोड़ा उधर से घूम फिर के आते हैं, तब तक भैया भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग काम की बात करते हैं। तो कुछ समय वेट करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं हम। A few minutes later. So guys, finally अभी मैं हूँ गणपति कंप्यूटर के अंदर। एंड अभी हम बात करेंगे भैया से, क्योंकि यहाँ पे जो एसेसरीज वगैरह या फिर गैजेट्स वगैरह है उनके बारे में, कि कौन कौन से गैजेट्स अवेलेबल है और साथ साथ प्राइस वगैरह, फिर क्या फाइनेंस के सिस्टम्स वगैरह है। तो हम पहले, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ अंदर से इंटीरियर गणपति कंप्यूटर्स का। और यहाँ पे आई थिंक हर एक रेंज के कंप्यूटर्स वगैरह रहता है, तो पहले आप देखिए अंदर और फिर हम आपसे भैया से बात कराते हैं। Acted all alright, had no need to fight tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight. तो गाइस, अभी आपने देखा यहाँ पे प्रिंटर वगैरह सारे कुछ एसेसरीज है। एंड गाइस, अब सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपको परचेस करनी होती है तो किस रेट, क्या क्या सबसे लोएस्ट रेट है एंड क्या हाई रेट है, साथ ही यहाँ पे फाइनेंस के सिस्टम्स वगैरह रखे गए हैं, काफी अच्छा सिस्टम्स है, तो हम उनको भी देखेंगे। और आज मैं यहाँ से एक CPU परचेस कर रहा हूँ, तो वो भी देखता हूँ एंड फिर हम भैया से बात करते हैं फाइनेंस वगैरह बारे में। तो चलिए हम भैया से बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भैया के पास। एंड हेलो भैया। भैया, तो भैया ये गणपति कंप्यूटर्स के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर का हर एक चीज यहाँ पे? हाँ, सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। अच्छा, हर एक पार्ट्स अवेलेबल होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने भी प्रिंटर्स वगैरह, कीबोर्ड, माउस एंड जितने भी जो न्यू गैजेट्स वगैरह है, सारे अवेलेबल होते हैं। तो भैया, यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप की जो प्राइस है, सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है? स्टार्टिंग जो है हमारे यहाँ होती है 15,000 या समथिंग, और जो सबसे ऊपर तक जाती है वो 1,20,000 तक लैपटॉप होता है। लैपटॉप होता है, फिर हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी का प्रिंटर भी होता है। अच्छा, ठीक है। और जितने भी इनके कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह आते हैं, जितने भी कंपनियां की आती हैं, सब भी हमारे पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो पीछे आपके कीबोर्ड वगैरह यहाँ पे लगे पड़े हैं एंड यहाँ इस सेक्शन में माउस वगैरह लगे पड़े हैं। तो जैसा आप जैसा गैजेट खोजोगे वैसा प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो भैया, सबसे बड़ी बात होती है कि अभी के टाइम में अगर कोई 1,20,000 का परचेस करना चाहे तो आई थिंक उनके पास इतना कैश रहता नहीं है। तो इसके लिए गणपति क्या प्रोवाइड करवाती है फाइनेंस? इसके लिए हमारे यहाँ एक बजाज फाइनेंस है,
बजाज फाइनेंस है, जिसमें कि होता क्या है ना कि अगर 1,20,000 का सेट है, चाहे वो लैपटॉप का हो या फिर किसी भी ऐसा चीज़ का जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो उसमें होता क्या है ना कि हम 1/3 उसका डाउन पेमेंट आता है बजाज फाइनेंस में, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, 2-3 आईडी लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक आईडी, यानी कि उसमें आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर दोनों साथ में लगते हैं, और एटीएम कार्ड इमीडिएट के चक्कर में होता है, ठीक है। तो 1/3 जमा होता है, यानी कि अगर 1,20,000 है तो 1/3 यानी 40,000 अप्रॉक्स आ जाता है, इतना अगर डाउन पेमेंट होता है, बाकी जो है ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो थैंक यू भैया। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं गणपति कंप्यूटर्स आपको कोई भी अच्छे मशीनरी परचेस करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन पे मॉनिटर वगैरह एंड एचपी का प्रिंटर वगैरह। तो गाइस अगर आपको भी यहाँ से कोई भी चीज परचेस करना है और आप आ सकते हो आराम से, एंड 100% ट्रस्टेबल प्लेस है और आराम से पा सकते हो, परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटीज का यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही मैं एक अपना सीपीयू बनवा रहा हूँ, जो जिसमें हम टोशिबा का अपना हार्ड डिस्क वगैरह यूज करवा रहे हैं, एंड भैया कर रहे हैं परचेस। तो हमारा सेट पूरा कंप्लीट होता है, फिर हम आपसे मिलते हैं एंड होने के बाद। तो तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। हमारा कंप्लीट एंड ये रहा, टोटो में सब कुछ रखा हुआ, और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो पाजी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो अभी चलना है मुझे सेकंड वेन्यू पे, जहाँ से मुझे और एक सामान कलेक्ट करना है। तो चलिए पाजी, तो भैया चलते हैं उस सेकंड वेन्यू पे एंड देखते हैं वहाँ पे क्या सरप्राइज है। A few minutes later. So guys, second venue भी पहुंच गए हम। आप देख रहे हो हमारे पीछे जैसा कि JMD इंस्ट्रूमेंट दुकान में, एंड गाइज यहाँ से हमें एक केशियो लेना है, तो अभी हम चलते हैं अंदर और कुंदन भाई को बोलते हैं देने के फटाक से, क्योंकि काफी लेट हो चुका है। कुंदन भैया मेरा सामान जल्दी निकलवाइए। भैया मेरा सेकंड वेन्यू यहीं पे था, एंड आज मैं एक ले रहा हूँ कैसियो 860, एंड गाइज काफी अच्छा मॉडल है, और हमारे साथ यहाँ बैठे कुंदन भाई कुछ क्लासिकल गिटार पे बजा रहे हैं। तो हमारा सेकंड वेन्यू यही था और सरप्राइज भाई यही था हमारा केसियो 860। तो अभी और एक कुंदन भैया है अंदर, वो निकाल रहे हैं, तो जैसे वो आता है हमारे सामने मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गाइज आज ही मुझे लेना है वो, मैंने घर से ही सोच के निकला हुआ था, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो गाइस ये रहा हमारा कैसियो का 860 मॉडल। सॉरी मैं अभी इसे बजाने में इतना वो था कि दिखा नहीं पाया, तो बाकी मैं घर पे जाकर रिवील करता हूँ इसे, एंड अभी इसे पैक करता हूँ। एंड थैंक यू कुंदन भाई। तो भैया हमारा काम हो चुका है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे खड़ा रखा पड़ा था। अभी आज हमने यहाँ पे 3-4 चीज़ें खरीदी, एक कैसियो 860 एंड एक HP का प्रिंटर और एक CPU। तो अभी चलते हैं इसे घर पे सेटअप करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या परफॉर्मेंस आता है। तो मिलते हैं गाइस घर पे और फिर बात करते हैं आपसे। A few minutes later. So guys, finally मैं आ गया हूँ घर के अंदर और हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। यही था वो चीज जो मैं लाने के लिए गया था। आज मैंने ये कैसियो परचेज किया, एंड साथ ही साथ मैं दिखा रहा हूँ एक हमने सिस्टम परचेज किया है, तो अभी मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। चलिए तो भैया आपने क्या देखा अभी, आज हमने दो दो चीज परचेस किया, एक हमारा कैसियो और एक हमने एक कंप्यूटर परचेस किया। सो गाइस हमारा आज का डे यही दो चीज का परचेस करने का था। हमने पहले ही बोल रखा था कि एक चीज हमारे लिए सरप्राइज है, जो कि ये कैसियो, ठीक है। तो और बाकी रहा हमारा कंप्यूटर, वो तो मतलब आपको मैंने बता ही दिया था कि हम एक कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पता है आज थोड़ा टाइम थोड़ा अजीब सा शेड्यूल था, बट फिर भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की। सो गाइस ऐसे ही हमारा ब्लॉग आते रहेगा, एंड कीप सपोर्ट आप लोग भी करते रहिए। और आई थिंक मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ यार सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग पे, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।